आपने पॉपकॉर्न को इस तरह फूलते और फटते हुए तो देखा होगा, और इसके फटने का रीजन है इसमें बनने वाला ये प्रेशर। चलिए ये समझते हैं कि पॉपकॉर्न पॉप यानी फटता कैसे है। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मक्के की एक स्पेशल वैरायटी का दाना लिया जाता है, ऐसी वैरायटी जिसमें सबसे ऊपर ये हार्ड लेयर, अंदर ज्यादा स्टार्च और सही अमाउंट में पानी हो। पॉपकॉर्न को पॉप यानी फटने के लिए तीन चीजें बहुत ही जरूरी होती है। पहली, इसमें वाटर परसेंटेज सही हो। दूसरी, जितना ज्यादा स्टार्च उतना ही बढ़िया और बड़ा पॉपकॉर्न बनेगा। तीसरी, अनडैमेज्ड आउटर कवर यानी पेरिकैप। ये पेरिकैप अगर डैमेज होगी तो ये दाना फूलेगा नहीं। पॉपकॉर्न के सीड को जैसे ही हीट दी जाती है तो इसमें मौजूद पानी इस तरह से भाप बन जाता है, और साथ में इसमें मौजूद ये स्टार्च टेम्परेचर बढ़ने से जेल जैसा हो जाता है। हीट देने से एक टाइम पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये भाप इस आउटर शेल को तोड़कर बाहर निकलने लगती है। भाप के साथ इसमें मौजूद ये स्टार्च भी तेजी से बाहर आने लगता है। जैसे ही ये जेल जैसा स्टार्च हवा के कॉन्टेक्ट में आता है, वैसे ही ये सॉलिड होने लगता है, और लीजिए आपका पॉपकॉर्न तैयार है। कंपैरेटिवली आसान है ना 3D में कॉन्सेप्ट समझना। तो और 3D वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ।